हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद कमाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नो टॉक। तो दोस्तों, क्या आप परेशान हैं अपने मोबाइल नेटवर्क से? आपको मालूम करना है कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क अच्छा आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको 100% है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क अच्छा आता है, कौन सी सिम का नेटवर्क आपके एरिया में अच्छा आता है। और मैं आपको बताऊँगा कि आपके एरिया में उस सिम के कितने टावर है जो आपने सिम मोबाइल में लगाई हुई है। इस तरीके से आप जान सकते हैं। और अगर आप नई सिम लेने को सोच रहे हैं तो आपके एरिया में जो भी अच्छा नेटवर्क है उसकी सिम लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों, और आप जान सकेंगे कि आपके जो नेटवर्क है अच्छा है कि बुरा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज मिल जाएगी। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर खोलना है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसका नाम है ओपन सिग्नल एप्लीकेशन, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। कैसे देगा मैं आपको सारा वीडियो में दिखाऊंगा। तो क्या करना है आपको, पहले ओपन सिग्नल लिख के आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको ऐप नहीं मिलता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, डाउनलोड हो चुका है और थोड़ा वेट कर लेते हैं कि कितना वक्त लगेगा इंस्टॉलिंग में जो भी वक्त लग जाए। और तो दोस्तों, मैं बता दूँ, इस ऐप को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे लगा कि आपको ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क इशू से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब इस एप्लीकेशन को ओपन कर लें। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पर परमिशन मांगेगा, आप इसे अलाउ कर दीजिएगा। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मैं परमिशन करके उसके बाद आप भी परमिशन करिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाते हैं स्पीड टेस्ट का, आप अपने नेटवर्क का भी स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है, तो अब मैं अपने वाईफाई का कनेक्ट करके बताता, मतलब आपकी स्पीड दिखाता हूँ टेस्ट करके कि आपको यहाँ पर कितना स्पीड मिल जाता है। इसी हिसाब से आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल नेटवर्क का भी। मेरा वाईफाई कनेक्ट है इसलिए यहाँ पर स्पीड थोड़ा ज़्यादा दिखाएगी, पर आप अपने मोबाइल ऑपरेटर का भी यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं स्पीड का। तो जैसे कि दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त है, जो भी इसका प्रोसेस लगे टाइम, और यहाँ पर हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग 2.30 Mbps दिया है, अपलोड यहाँ पर 19.2 Mbps दिखा रही है, और लेटेंसी जो है 74 दिखा रही है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर नीचे थर्ड ऑप्शन पर आएंगे लोकेशन पे। तो आपको यहाँ पर आपको बता देगा कि जैसे कि आप यहाँ पर ग्रीन ग्रीन डॉट देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैसे कि जो भी नेटवर्क आ रहे हैं आपके यहाँ, चाहे वो हर सिम से 2G 3G 4G जो भी हैं, सारे नेटवर्क यहाँ पर आपको अवेलेबल दिख जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ऊपर जब देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक ऑल ऑपरेटर दिखेगा, एक होगा व्यू नेटवर्क ऐसे। तो आप ऑल ऑपरेटर पर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा शो ऑल। तो यहाँ पर 2G और 3G हो सकता है, 4G यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर चार सिम के ऑप्शन मिलते हैं, वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है और BSNL है। तो इसी तरीके से मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर कितना रेंज है एक एक नेटवर्क का। तो यहाँ पर वोडाफोन का आप देखेंगे तो 6.3 Mbps है, इसकी डाउनलोडिंग है, अपलोडिंग 2 Mbps है, और लेटेंसी जो है 882 ms है। तो दोस्तों, अब हम दूसरे पे आते हैं। हम क्या करते हैं कि दूसरे उस पे जाते हैं, ऑपरेटिंग जो है इसका नेटवर्क वाला है, तो हम दूसरे पे जाते हैं और आपको अब दिखाएंगे कि वहाँ पर कितनी है डाउनलोडिंग है, अपलोडिंग कितनी है। तो एयरटेल पे आते हैं दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग 3.8 Mbps है, और अपलोडिंग 1.3 Mbps, और लेटेंसी जो है 85 है। अब इसी पे जियो पे आते हैं तो यहाँ पर 4.6 Mbps डाउनलोडिंग मिल जाती है, अपलोडिंग 2.1 Mbps है, और लेटेंसी 68 ms है। लेटेंसी क्या है कि दोस्तों, जो लेटेंसी है उस पर पता चलता है कि हमें कि कौन सा नेटवर्क ज़्यादा तेज़ी से आता है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे तो जियो का ज़्यादा तेज़ी से आता है, उसके बाद एयरटेल का है, फिर वोडाफोन का। इस तरीके से जो लेटेंसी जो ज़्यादा होगा तो वो नेटवर्क स्लो होगा, तो लेटेंसी जिसका कम होगा उसका नेटवर्क ज़्यादा तेज़ी से हमारे यहाँ आएगा। तो दोस्तों, क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप एडिट करके नहीं डायरेक्ट देखना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डाउनलोडिंग और सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, और लेटेंसी जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं 84 है एयरटेल की, 77 जियो की, वोडाफोन 81। तो वोडाफोन सबसे अच्छा नेटवर्क आपको यहाँ मेरे एरिया में जियो का आता है, फिर वोडाफोन का आता है, फिर एयरटेल का आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेटेंसी का। और स्पीड डाउनलोडिंग स्पीड किसी की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, अपलोडिंग भी। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से आप जान सकते हैं कि आपके उसमें कौन सा नेटवर्क अच्छा है आपके एरिया में, तो आप ये जान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है सेल टावर, जो बताएगा कि आपके जो सिम लगी हुई है आपके फ़ोन में, कि आपके एरिया में कितना टावर है उस सिम का, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे जियो हो, चाहे कोई भी सिम हो, उसके सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा कि आपके एरिया में कितना टावर है उस सिम का। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी भी सिम के जो जान सकते हैं कि आपके एरिया में कितना टावर है उसका, और जान सकते हैं कि आपकी जो सिम का नेटवर्क है वो कितना अच्छा है कितना ख़राब है। उसी हिसाब से आप सिम ले सकते हैं, या सिम एक्सचेंज करना, या पोर्ट कराना, जो भी आपका दिल करे। आपको ये इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये एप्लीकेशन।
तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।